पिंक सिटी जयपुर में आपका स्वागत है। पर पिंक सिटी तो पिंक ही नहीं रहा, इट हैज बिकम ग्रीन नाउ। यू हैवंट यू सीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द रोड? सीम्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मार्केट। हां यार, बट आई थिंक इट्स स्टिल पिंक इन अ वे। कैसे? इट इज वन ऑफ द फ्यू सिटीज इन इंडिया व्हिच इज एनकरेजिंग वुमेन टू ड्राइव ई-रिक्शा फॉर लाइवलीहुड ऑप्शन। वाओ, दैट सीम्स टू बी अ वेरी प्रोग्रेसिव मूव। कैन वी मीट सम ऑफ दीस वुमेन? यस, लेट्स लुक फॉर देम। पाँच साल हो गए बेटा। छः महीने हो चुके हैं हमारे। 20 days हो गए अप्रॉक्स। दो तीन महीने से पहले। इसको 1.5 month हो गया। July 2021। 4 साल से चला रहा हूँ। 7 months से यूज़ कर रहा हूँ अभी। 5 साल से डीलरशिप चला रहा हूँ। और पोल्यूशन की वजह से मैं धीरे धीरे इस तरफ इलेक्ट्रिक की तरफ देखा कि इसका मार्केट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ व्हीकल वेयर द ड्राइविंग इज वेरी कम्फर्टेबल, इट इज सेफ एंड द पिकअप इज वेरी गुड। थोड़ा सा कंपेरिजन करने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ यार, इलेक्ट्रॉनिक ले लेना चाहिए। टोटल कॉस्ट में ये बेनिफिशियल है इन द टर्म्स ऑफ मनी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। मेरी जो डेली रनिंग कॉस्ट है वो सेव होने लग गई। एक साल बाद गाड़ी फ्री पर हो जाएगी। जो मैं पेट्रोल डलवाता था वो पैसे क्या मैं एमआई भर दूंगा। और इसकी चार्जिंग कॉस्ट ओनली 10 rupees आती है, जिसमें ये 80 किलोमीटर चल जाती है। मेंटेनेंस के नाम पे बहुत कम मेंटेनेंस है। पहले क्या रोजगारी नहीं थी, ठीक है, क्या इसमें के रोजगार बढ़ा है? इससे फायदा है ना, इससे इज्जत बनती है और रोड पे इज्जत नहीं बनती थी। इट इज विदाउट एनी साउंड, इट इज अ कम्फर्टेबल कार। को एक तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, कई बार कस्टमर के यहाँ से बैटरी चोरी हो जाती है, तो खड़ी करने की जगह नहीं होने के कारण रात को जब चार्जिंग लगानी है उसको, तो रात को या तो बैठ के चार्ज करेगा या फिर बाहर गाड़ी के बाहर खुद सोएगा। और दूसरा फिर इंश्योरेंस की एक जटिल समस्या है कि कस्टमर को जैसे बैटरी चोरी हो गई, मेन इसमें बैटरी का इशू आता है, बैटरी चोरी हो गई तो कस्टमर को इंश्योरेंस भी बैटरियाँ नहीं देती है आसानी से। प्रॉब्लम्स यही है कि जस्ट मान लीजिए जैसे कि एक तो ये छोटा सा व्हील है, थोड़ा छोटा व्हील होने की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा आता है, जैसे कि कोई भी दच किया जाए कुछ भी आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन रहता है, मतलब एकदम से पेट में ऐसा लगता है ना, वो झटका सा आता है दचकी वाला, वो चीज़ होती है थोड़ी सी। सब्सिडी है कितनी अच्छी बॉल गवर्नमेंट ने दी है, जो कि वास्तव में अच्छा है, लेकिन कस्टमर्स को 3 महीने 4 महीने मिलती नहीं है, कई बार 15 मतलब 1.5 महीने में भी सब्सिडी मिलती है, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। इफ आई वुड लाइक टू ट्रेवल फ्रॉम जयपुर टू माई होम टाउन उदयपुर, आई फाइंड दैट देर आर नो फास्ट चार्जर्स इन बिटवीन, सो दैट इज़ वन मेजर चैलेंज विच आई एम फेसिंग एट द मोमेंट। चैलेंज फेस करने का तरीका ये है, जैसे हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हैं, ट्रैवल टाइम 6 घंटे है, टोटल रनिंग डिस्टेंस जैसे 400 किलोमीटर है, तो हम एक पॉइंट से चले, हम एक चार्जर के भरोसे दूसरे पॉइंट पर पहुँचे और जाके पता चला कि फास्ट चार्जर काम नहीं कर रहा है। अगर 400 पे जाना है, 500 पे जाना है, तो एक ट्रिप प्लान करना पड़ता है कि चार्जिंग पॉइंट्स को रूट में लेते हुए ही आपको ना निकलना पड़ेगा। चढ़ाई के ऊपर स्लो हो जाता है। इस पर सब्सिडी और इंक्रीज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट को बेसिकली। बस इसका सेल बढ़ाने के लिए तो बस सब्सिडी ज़्यादा देनी चाहिए। तो कस्टमर लेता वो लिथियम ही है, आज की तरह में लेड एसिड बहुत कम लेता है, लेड एसिड में खर्चे ज़्यादा हैं। सरकार अगर उस पर सब्सिडी नहीं देके लिथियम की तरह प्रमोट सब्सिडी करे खाली, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेट्रोल पंप की तरह ऐसी चार्जर हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो कि एक पॉइंट ख़राब है, 5 किलोमीटर के अंदर दूसरा या तीसरा पॉइंट हो,
तो डर खत्म हो जाएगा। यदि पब्लिक चार्जिंग पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ है कि है ना मतलब उसमें फास्ट चार्जिंग की वजह से कम लोग अपने घर पहुंच सकते हैं। पार्किंग के एरिया हमारी की सेफ्टी रहती है, ठीक है। जैसे अपन रोड के ऊपर खड़ी करते हैं तो कि चोरी करने का डर रहता है, चोरी हो जाती है रिक्शा। इनकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो वो हर कोई परचेज नहीं कर पाता, तो उसके रिगार्डिंग अगर सरकार कुछ हेल्प करे तो लोग बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट बैंक फाइनेंस नहीं करते तो प्राइवेट बैंक करते हैं, उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट लाइक शैल इंट्रोड्यूस सम पॉलिसीज, सम गुड पॉलिसीज एंड फास्ट प्रोसीजर शुड बी देयर ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ व्हीकल्स। तो मैंने कहा अब ये कमाने नहीं देते हैं, मैं बेटी का खाऊंगी नहीं। फिर इधर आके मैंने जलेबी चौक है ना, बात चौकी, वहाँ मैंने खिलौने बेचे अंग्रेजों को, कोई 100 कोई 200 दे जाता था, है ना। फिर वो पुलिस वाले भी मेरी मदद करी बहुत भाई। फिर गाड़ी लेके आई किराए की, फिर वो बैठ गए दो पुलिस वाले, बोले चलाती रहे सीधे, हम बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिन सिखाया, फिर मैं सीख गई। इससे फ़ायदा है ना, इससे इज्जत बनती है, और रोड पर इज्जत नहीं बनती थी। तो कैसा रहा जयपुर का इलेक्ट्रिक सफर? यार जयपुर सीम्स टू बी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन। इन फैक्ट पीपल आर प्रेफरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज ऑफ द कॉस्ट सेविंग्स, एंड फोर व्हीलर यूजर्स आर इवन कंसिडरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। बट दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल नेसेंट इन द सिटी एंड इवन मोर ऑन द हाईवेज। एंड व्हाट अबाउट द टू व्हीलर्स? द टू व्हीलर यूजर्स want better quality and better range at lower prices. And what about three-wheelers? As for three-wheeler users, I think what they need is designated parking cum charging hubs and proper zones.